दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बोट अवांटे बार मिस्टिक की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो साउंड बार है बजट रेंज वालों के लिए है, मतलब कि अगर आपका बजट 5 से 6 हज़ार का है तो आप इस साउंड बार पर जा सकते हैं। सो आज हम दोस्तों इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको डिज़ाइन डिटेल में दिखाने वाले हैं, साथ में फीचर्स देखेंगे एंड साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 6,000 रुपीज़। अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि यार मुझे ये मॉडल 6,000 की रेंज में कैसा लगा है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मॉडल को हमने खुद परचेज करा है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो जो हमारा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा। दोस्तों हम सारे मॉडल खुद परचेज करते हैं, प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए हमें वारंटी कार्ड इस पर मिल जाता है, बोर्ड की तरफ से 1 ईयर की वारंटी हमें मिलती है, यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी, वॉल माउंट किट भी मिल जाती है साउंड बार को वॉल पर माउंट करने के लिए, 2 बैटरीज मिल जाती है रिमोट कंट्रोल के लिए, फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी हमें मिल जाता है। दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है हमें जितने भी बोर्ड के साउंड बार आते हैं उनके रिमोट कंट्रोल की तरह ही देखने को मिलता है, क्वालिटी अच्छी है रिमोट कंट्रोल की। दोस्तों में साउंड मोड मिल जाते हैं म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी, 3D एंड हम ट्रैवल एंड बेस को भी रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर पाएंगे। ऑक्स केबल भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है, बट बॉक्स के अंदर हमें ऑप्टिकल HDMI ARC केबल नहीं मिलती है। दोस्तों अब हम आपको इसके साउंड बार को डिटेल में दिखाते हैं। तो दोस्तों सामने की तरफ से हमें देखिए ग्रिल इस पर मिल जाती है मेटल की, एंड सामने की तरफ से दोस्तों हमें 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 2.25 इंचेस के, बीच पे दोस्तों हमें बोर्ड की ब्रांडिंग भी इस पर मिलती है। साइड से देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों, इसी से हम मोड को भी चेंज कर पाएंगे, प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, प्लस माइनस वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी बटन्स मिलते हैं, साथ में USB पोर्ट भी मिलता है। बैक साइड पर दोस्तों हमें वॉल माउंट का ऑप्शन मिल जाता है, बॉक्स के अंदर वॉल माउंट किट भी मिली हुई है हमें साथ में, एंड बैक साइड पर ही दोस्तों हमें पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो हमें सबवूफर के लिए आउटपुट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि इस पर हमें वायर्ड सबवूफर देखने को मिलता है, इस साइड पर हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं जैसे कि HDMI ARC ऑप्टिकल एंड ऑक्स, ये 3 पोर्ट हमें दोस्तों साइड से मिलते हैं। नीचे से देखिए हमें रबर पैडिंग भी मिल जाती है लगी हुई, अगर आपको इसे टेबल पर प्लेस करना है तो आप कर पाएंगे। दोस्तों साउंड बार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ABS प्लास्टिक की है, एंड हमें देखिए ग्लॉस पैनल मिल जाता है। दोस्तों अब हम आपको इसके सबवूफर को भी डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए सबवूफर का भी डिज़ाइन हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है, नीचे से देखिए बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, एंड इस बार दोस्तों अंदर से हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिलता है, ये चीज़ बढ़िया लगी है, एंड देखिए टॉप पर हमें बोर्ड की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, पूरा मैट ब्लैक पे इसका डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। साइड से दोस्तों हमें 5.25 इंचेस का बेस ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है, बेस ड्राइवर का दोस्तों साइज छोटा दे रखा है अगर हम बोर्ड के और साउंड बार के हिसाब से कंपेयर करके देखें, क्योंकि और साउंड बार पर हमें 6.5 इंचेस का बेस ड्राइवर देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्वालिटी कैसी हमें मिलेगी। देखिए दोस्तों ये वायर्ड सबवूफर है, एंड अगर हम वायर की लेंथ की बात करें तो ये भी 5-6 फुट आराम से है, यानी कि आप इसे ग्राउंड पर कॉम्पैक्ट में रख पाएंगे। अब वायरलेस हो भी नहीं सकता है क्योंकि प्राइस पॉइंट दोस्तों इसका कम है। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो बढ़िया हमें मिल जाती है कैबिनेट की, एंड क्वालिटी जो है वो MDF की है, दिखा देते हैं हम आपको एक बार, बढ़िया क्वालिटी में हमें ये सबवूफर देखने को मिलता है, एंड नीचे से देखिए हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई मिलती है। तो दोस्तों हमने साउंड बार एंड सबवूफर को आपको डिटेल में दिखा दिया है। अब दोस्तों मैं टोटल पावर आउटपुट आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस मॉडल का टोटल पावर आउटपुट है 100 वाट्स RMS का, बट दोस्तों सेपरेट में हमें पावर आउटपुट मेंशन नहीं करी गई है कि यार साउंड बार की कितनी है एंड सबवूफर की कितनी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहता हूँ, सर कैमरे को थोड़ा पास लाके ना ये चीज़ को दिखा दीजिए। इसमें गाइस फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, SNR वैल्यू, ये सब चीज़ मेंशन करी गई है, आपको अगर डिटेल में जानना होगा तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं एंड आपको डेमो देते हैं। तो दोस्तों हमने साउंड बार को ऑन कर दिया है,
एंड देखिए डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया है, जो भी फंक्शन ऑपरेट करेंगे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों हम इसके ट्रेबल एंड बेस को एडजस्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों हम ट्रेबल को -12 से +12 तक एडजस्ट कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम बेस को भी -12 से +12 तक एडजस्ट कर पाएंगे। रिमोट कंट्रोल पर देखिए हमें इनपुट का बटन मिल जाता है, अभी यह है ब्लूटूथ मोड में। अब दोस्तों हमने इसे ऑप्टिकल मोड में रख लिया है, अब इसे HDMI ARC मोड में रख लिया है, USB मोड में रख लिया है एंड यह है ऑक्स मोड। सो दोस्तों कनेक्टिविटी हमें इस पर सारी लेटेस्ट देखने को मिल जाती है, कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अब इसकी हम टॉप वॉल्यूम भी देख लेते हैं, इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। दोस्तों रिमोट कंट्रोल पर देखिए हमें साउंड मोड भी मिल जाते हैं, म्यूजिक, न्यूज़, मूवी, 3D। सो अभी तो हम इसका फर्स्ट अटैम्प्ट पे साउंड टेस्ट करेंगे, सो इसे म्यूजिक मोड में रख लेते हैं। देखिए इक्वलाइजर 1 लिखा हुआ आ गया है। बाकी दोस्तों अगर आपको टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा तो इसे मूवी मोड या न्यूज़ मोड में रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सराउंड साउंड का इफेक्ट चाहिए होगा तो आप इसे 3D मोड में भी रख सकते हैं। सो अब दोस्तों अपने फोन को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं एंड आपको थोड़ा डेमो देते हैं। तो दोस्तों हमने अपने फोन को साउंड बार के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको इसका ऑडियो टेस्ट कराया, आप लोग बताएगा कमेंट करके कि यार आपको इस मॉडल की ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। बाकी रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट आ जाएगा सेकंड पार्ट में, उस पर दोस्तों हम इसका बेस टेस्ट करेंगे, ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे, इसे टीवी के साथ भी कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे। सो साउंड टेस्ट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे साउंड के रिलेटेड। बाकी इसका बर्निंग पीरियड भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार मुझे ये मॉडल कैसा लगा है। दोस्तों मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर ये 6,000 रुपये में आपको मिले तो मत परचेस करिएगा। अगर ये मॉडल दोस्तों 5,000 या 5,500 में मिले तभी आप इस मॉडल को परचेस करिएगा, 6,000 में मत परचेस करिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 6,000 में बोट का ही हमें एक और साउंड बार देखने को मिलता है, 1200D, दोस्तों डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है एंड 100 वॉट का ही है दोस्तों वो मॉडल भी, उसका भी वीडियो हमने कर रखा है, आप बोट वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों वो मॉडल इससे बेटर है, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोनों को टेस्ट कर चुका हूँ। अगर ये मॉडल दोस्तों आपको 5000 या अंडर 5000 में ही देखने को मिले, हमने दोस्तों ये सेल पे परचेस करा था तो हमें ये अंडर 5000 में ही देखने को मिल गया था। सो इस प्राइस रेंज में दोस्तों बढ़िया है ये, बट 6000 में मेरे को नहीं लगता है कि यार इसे परचेस करना चाहिए, जबकि हमें बोट का ही सेम मॉडल देखने को मिल रहा है डॉल्बी ऑडियो के साथ। तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। बाकी अगर मैं बताऊं दोस्तों फीचर्स वाइज, तो फीचर्स वाइज कोई भी कमी नहीं है, सारे लेटेस्ट फीचर हमें इस पर देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों साउंड बार की हमें काफी बढ़िया मिल जाती है, मतलब सबवूफर का जो कैबिनेट है बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का है एंड साउंड बार की भी जो क्वालिटी है ABS प्लास्टिक की दे रखी है, अच्छी है। मतलब साथ में दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑडियो क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑडियो क्वालिटी हमें बढ़िया ही देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों बोट का अगर आप कोई सा भी साउंड बार परचेस करते हैं ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सो इस मॉडल की भी दोस्तों जो ऑडियो क्वालिटी है फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें काफी बढ़िया मिल रही है, बाकी डिटेल में तो हम अगले पार्ट में ही बात करेंगे। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, अब आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आपको ये मॉडल कैसा लगा है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।